गुड़ना रोड स्थित प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें विजयी छात्र छात्राओं को स्कूल के प्राचार्य विश्वकर्मा कुमार के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। Participate. Really nice performing. Wow, remarkable performance by girls. Beautiful performance by girls. They have shown against Tigres. So interesting. Come back, come back. एक बार जोरदार ताली participants के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. चलो चलो चलो, बड़े बच्चों का 1-2 का कुछ बच्चों का नहीं मिला है, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर couple race as well. Playing one team between the students and teachers. Yeah, we are approaching towards the end of the program. So. वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया, आज समापन किया गया, छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट भी दिया गया। 3 दिवसीय हमारा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल गोंडा रोड आरा में हमारा वार्षिक खेलकूद का आज समापन है, और आज फाइनल डे में सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जो जो बच्चे सेमीफाइनल में सेलेक्ट हुए थे, आज उन लोगों ने फाइनल में अपना परफॉर्मेंस दिया है।
और बहुत सारे गेम्स थे जिसमें रिले रेस, साइकिलिंग, 100 मीटर, 600 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर और जूनियर्स बच्चों के लिए जलेबी रेस, बनारा रेस, टॉफी रेस एंड कपल रेस एंड म्यूजिकल चेयर। तीन दिवसीय खेल से कितना मानसिक विकास हुआ होगा? अच्छा, आई थिंक बच्चों ने बहुत इंजॉय किया होगा और जब हम अंदर से खुश होते हैं तो पढ़ाई में अपने आप रुचि आ जाती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों ने ये तीन दिन में अपने आप को बहुत फ्री कर दिया है, मेंटली वो फ्री हो चुके हैं और जब कल तो छुट्टी है, कल के बाद जब वो डे आफ्टर टुमारो जब वो स्कूल आएंगे, मुझे लगता है वो फुल स्प्रिट में आएंगे और बहुत एंथुसियाज्म के साथ आएंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाएंगे क्योंकि उनका नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। सर्टिफिकेट भी वितरण किया गया सर? सारे बच्चों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिया गया है लेकिन कुछ जो टैग रेस के विनर और रिले रेस के विनर हैं और साइकिलिंग के विनर हैं इनको एनुअल फंक्शन पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाउस विनर्स को भी एनुअल फंक्शन पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं विश्वकर्मा कुमार, चेयरमैन प्रताप इंटरनेशनल स्कूल, गोंडा।